thank you राइट असलकूम वरम वक् आज हमारा थर्ड एंड लास्ट लेक्चर है ऑन मिनी वी ए सीरीज़ जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी बताया है अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स जो आप एक वी ए के तौर पर कर सकते हैं और एक वी के तौर पे इन में से कोई भी दो या तीन स्किल्स भी अगर आप मास्टर कर लेते हैं अपने आप को अपने आप को एक्सपर्ट कर लेते हैं तो आप इजीली एक बड़ा एक लार्ज चंक ले सकते हैं फ्रॉम अमेजोन सी अमेज़ोन के समंदर में से एक बड़ा चंक ले सकते हैं सो <coughs> so, पहले हम रिकैप कर लेते हैं पिछले दो दिन में हमने क्या क्या कुछ सीखा था अमेजोन की कौन कौन सी सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ाए पहली है प्रोडक्ट हंडिंग फाइंडिंग अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि आप जिसके लिए भी प्रोडक्ट को हंट करना चाहेंगी उसे एक लाइफ चेंजिंग यानी कि एनेबलर्स के क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हुई एक प्रोडक्ट चाहिए होती है और इस प्रोडक्ट की कीमत 200 डॉलर से अबव होती है क्योंकि अगर आपकी वो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे परेबलर्स के क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है तो उसके अंदर फेलियर के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं ठीक है अब लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट के डेफिनेशन क्या होगी, उसका क्राइटेरिया क्या होता है जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो जिसमें कॉम्पिटिशन कम हो वेट मिनिमल हो मिनिमम उसके अंदर वेट होना चाहिए मैक्सिमम उसके अंदर सेल्स होनी चाहिए और रिव्यू वेलोसिटी अच्छी हो सेल्स वेलोसिटी अच्छी हो कम पैसों में हम ज़्यादा कमा सकें वो एक अच्छी प्रोडक्ट होती हैं ठीक है अब उसके बाद सेकंड सो so, जो हमारी आती है अच्छी सर्विस हो वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग सोर्सिंग करना एक आर्ट है यानी कि आपको अगर कम्युनिकेशन अच्छी करनी आती है तो आप अपना सपोज़ आप टू परसेंट या थ्री परसेंट प्रॉफिट जो है वो उधर से ही कमा लेते हैं सोर्स से ही वो किस तरीके से अगर आप एक एक प्रोडक्ट को टेन डॉलर्स का बेच रहे हैं और आप उसको सोर्स तकरीबन डेढ़ से दो डॉलर में कर लेते हैं इट मींस कि आप ऑलरेडी अपने कंपेटिटर से एक स्टेप आगे चल रहे है। हैं फिर आती है लिस्टिंग क्रिएशन लिस्टिंग क्रिएशन के सर्विसेज इन्वॉल्व करती हैं कि आपने एडअप प्रोडक्ट करनी है वेरिएशन ऐड करनी है इमेजेस सेट करनी है और जितनी भी आपके पास डाटा होता है उसको कंपाइल करके आपने एक लिस्ट को क्रिएट करना है फिर कीवर्ड एनालिसिस आता है यानी कि अगर आपने एक प्रोडक्ट को हंट किया है उसके कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर वो प्रोडक्ट जो है वो सेल होती है ले so, सपोज़ अगर कोई दस कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर वो प्रोडक्ट बेहतरीन सेल लेकर आती है तो आप उन दस की वर्ड्स को मुख्तु टूल्स जैसे मर्चेंट मर्चेंटवर्ड हो गया वायरल लॉन्च हो गया हीलियम टेन हो गया इन सब में से वो दस कीवर्ड्स का सर्च वॉलीम गिव अवेज और जितने भी उसका डाटा होता है वो आपने निकाल कर कीवर्ड एनालिसिस में देना होता है दैन इट कम्स लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जो की वर्ड्स आपने लिए होते हैं अपने कॉन्टेंट क्रिएट करते हुए इमेज लगाते हुए और उसके बैक एंड पे सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स के तौर पर यह सब जो अपनी कीवर्ड की जो सारी लिस्टिंग करनी होती है इंडेक्सिंग करनी होती है उसको हम keyword की वर्ड की ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं फिर आता है कंटेंट राइटिंग यानी कि अगर आपने एक लैंडिंग पेज लिखना है उसका जो टाइटल है बुलेट पॉइंट्स हैं डिस्क्रिप्शन है या इन्हेंस ब्रांड कंटेंट है ये जी सारी चीज़ जो है ना वो कंटेंट राइटिंग के अंडर आती है देन इमेज क्रिएशन अगर आपको फोटोशॉप आता है अगर आप एलिस्ट्रेटर जानते हैं तो आप आराम से इमेज क्रिएशन की सर्विसेज दे सकते हैं फोटोग्राफी करने के बाद जो क्लाइंट आपको इमेजेस देगा आपने उनका बैकग्राउंड रिमूव करके उनके ऊपर इनफोग्राफिक्स लगा कर बाकायदा एक इमेज क्रिएट करनी है दैट इज़ अनदर सर्विसेज उसके बाद आती है ई बी आर स्ट्रेटजी ई बी आर होती है कि आपने जित एक सेल्स वेलोसिटी बनाकर अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लाना है तो आप ये सर्विस अपने कस्टमर को आराम से दे सकते हैं उसके बाद आती है पेपर क्लिक जो ऑन गोइंग में आती है यानी कि आपने पेड एडवर्टीज़मेंट चलानी है एक प्रोडक्ट के ऊपर और उससे आपने सेल्स ग्रैप करनी है आज हम न्यू सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे जो आप एज अ वी ए दे सकते हैं रिलेटेड टू ई कॉमर्स ठीक है uh, क्योंकि एनेबलर्स इज लीडिंग विद ई कॉमर्स सो हम सिर्फ ई e कॉमर्स को यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं ठीक है उसमें आती है ई बे दराज होल सेल एफ पी एम मैनेजमेंट एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑफ द ऑफ़ योर प्रोडक्ट्स ओके अब उसमें सबसे पहले आती है eBay eBay एक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एमोज़ोन जैसे ही प्रोडक्ट uh, सेलिंग की जाती है वहाँ पर सेलर्स अपने प्रोफाइल्स बनाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं रैंक करते हैं उसके बाद उसको सेल करते हैं डजेंट मैटर इफ़ दे आर सेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ ड्रॉप शिपिंग और या वो अपनी लिस्टिंग खुद क्रिएट कर रही हैं या कुछ भी ऐसा है ईबे बेसिकली एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग आते हैं बाय करते हैं पे करते हैं और चले जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है सर्विसेज में तो ईबे को हम सेकंड ऑप्शन के तौर पर लेते हैं आफ्टर अमेजॉन ठीक है इसमें जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनमें होती है अकाउंट क्रिएशन उसके लिए प्रोडक्ट ढूंढना और अकाउंट uh, को मैनेज करना अकाउंट अकाउंट क्रिएशन बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है ई बे का अकाउंट बनाने के लिए आपको पे की ज़रूरत होती है ठीक है आपने ई बे का अकाउंट अपना सिंपल रजिस्टर करके सिंपल जो प्रोसीजर होता है जैसे हम जी मेल का याहू का आई डी बनाते हैं हमने इसी तरीके से सिंपली ई बे का आई डी बनाता है बनाया बनाने के बाद हमने उसके साथ पे पाल को लिंक किया पेपर को लिंक करने के बाद और ईमेल वेरिफिकेशन के बाद आप ई पर आराम से 10 प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स के हिसाब से या आपकी विजिबिलिटी के हिसाब से इंक्रीज कर देती है ई बे सेकेंड थिंग फाइंडिंग अ प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट को आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया ठीक है अब आती है बड़ी ये जानने की कि आखिर एक कैसे हम एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें तो ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को ठीक है ईबे की प्रोडक्ट को फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने टाइटल बिल्डर डॉट कॉम पर जाना है ठीक है वहाँ पर जाके आप मुख्तलिफ रैंडमली प्रोडक्ट्स को टाइप करके उनकी सर्च कैपेसिटी देखें कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सर्च किया जाता है कौन सा कीवर्ड कम सर्च किया जाता है फिर उधर से आप ई बे डॉट कॉम पर जाएँ या डॉट को डॉट यू के पे जाएँ वहाँ से डेली डील्स में जाकर भी आप देख सकते हैं वहाँ से आप जो कीवर्ड्स आप टाइप करते हैं उनमें जो बेहतरीन सेलर्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं आप उनके स्टोर में जा भी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि आया कौन कौन सी प्रोडक्ट को वो सेल कर रहे हैं और कितने कितने रिव्यूज़ बिल्ड हुए हैं इसका मतलब कि रिव्यूज़ बिल्डिंग जो है वो सेल्स की वजह से हो रही है सेल्स बहुत ज़्यादा हो तो तो ही ज़्यादा रिव्यूज़ बनते हैं तो हम डायरेक्ट अफेक्ट देखते हैं कि अगर सेल्स ज़्यादा है तो रिव्यूज़ ज्यादा है और अगर रिव्यूज ज़्यादा इसका मतलब कि प्रोडक्ट सेल्स ज़्यादा है और अच्छी है तो हम ऐसे ही फाइंड आउट करते करते एक ऐसे प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं जिसके रिव्यूज़ नॉर्मल होते हैं लेकिन सेल्स ज़्यादा होती है उसके लिए एक फ़ार्मूला यूज़ होता है उसको हम इनेबलर्स पर ट्रिपल नाइन फार्मूला बोलते हैं आफ्टर दैट अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस दी जाती है अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस में होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट सेल हुई है और आपने उसको पिक पैक शिप करवाना है फ्रॉम योर वेयर हाउस तो उसके लिए आप जो वी ए हायर करते हैं या एज अ सेलर मैं एक वी ए फॉर एग्जाम्पल हायर करती हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट है ई बे का जैसे ही सेल्स आती है आपने सेल्स जो है उसका एड्रेस लेकर आपने वेयर हाउस में मेरे सेंड करना है कम्युनिकेशन करनी है कस्टमर के साथ और उसके बाद सारा जितने भी सेल्स हैं उसकी टैक्सेस वगैरह हर चीज के बारे में एक पूरा एक फाइल बनानी एक पोर्टफोलियो बनाना है तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये अकाउंट मैनेजमेंट के अंडर आती हैं उसके बाद हम बात करते हैं दराज़ की अगर हम देखें तो दराज़ भी पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है शॉपिंग के लिए और यहां पर मोस्टली लोग तकरीबन 1 लाख से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं एज अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं दराज़ के ऊपर आप सबसे पहले अकाउंट सेटअप करते हैं इसके लिए आपको सिंपली आपका इंडिविजुअल अकाउंट के लिए सी एन आई सी चाहिए और कंपनी अकाउंट के लिए आपको कंपनी की डिटेल्स चाहिए होती हैं फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर अकाउंट बनाने के बाद आपने आ, अपनी प्रोडक्ट फ़ाइंड आउट करनी होती है प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का मैथडोलोजी यही होती है कि आपने उसकी डेली सेल्स या डेली डील्स के अंदर जाकर चेक करना होता है जो भी 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल होती हैं यानी कि दस से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपकी महीने में सेल हुई हैं किसी की भी तो वो ऑटोमेटिकली फ्लैश डील्स के अंदर आ जाती है फ्लैश डील्स के अंदर आने वाली हर प्रोडक्ट सेल होती है तो आप वहाँ से कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्च करके उसकी रिव्यूज के हिसाब से आप उस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं विद द सेम फॉर्मूला विच आई टोल्ड योर लियर और उसके थ्रू आप प्रोडक्ट को हंटिंग कर सकते हैं उसके बाद आती है सोर्सिंग सोर्सिंग में क्या चीज़ आती है सोर्सिंग में अगेन वही आती है कि आपने बेस्ट प्राइस पर मिनिमम प्राइस पे सोर्स करनी है चीज़ टैक्सेस फाइंड आउट करने हैं कि टैक्सेस का एक पूरा चार्ट है दराज पे आपने चेक करना है कि मुझे अगर मैं एक फ़ॉर एग्जांपल एक सॉल्ट uh, लैंप या एक कह लें कि एक सिंपल uh, एक सिंपल कह लें कि कैचर कह लें का हेयर कैचर है अगर हम उसको ही सोर्स uh, करते हैं तो वो हमें सेल करने में ब्यूटी की कैटेगरी में सेल करने में कितना टैक्स देना पड़ेगा हम कोर्स कितने में करेंगे और फिर उसके बाद कितने में हम सेल करें तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन 25 परसेंट से अब आना चाहिए सो ये एक पूरी थियोलॉजी ये जो पूरी एक हमने फिनोमिना बनाया है पूरा एक सिस्टम बनाया है इस सिस्टम को सिस्टमेटिक वे में करना ये भी आपका ये भी एक वीए का, का काम होता है और वी एक अच्छी एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है

यानी कि अगर आप लिस्टिंग करते हैं अगर आपकी है हेयर कैचर अगर आपका कीवर्ड है आपने उस कीवर्ड को 2.5 डेंसिटी के साथ अपने पूरे लैंडिंग पेज पर ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि आपकी जब भी कोई हेयर कैचर लिखे एल्गोरिदम फौरन आपका कीवर्ड को कैच करे और आपको सर्च वॉल्यूम, आप सर्च सॉरी सर्च रिजल्ट में आपको दिखाएं और फौरन उसके ऊपर सेल्स ग्रैब करें

तो अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं ऑब्वियसली अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें पिक शिप जैसी सर्विसेज नहीं आती वो क्लाइंट के एंड पर खुद खुद वो काम करते हैं दैन द थर्ड थिंग इज़ होल सेल होल सेल इज बेसिकली सेलिंग सम्स ब्रांड यानी कि किसी और के ब्रांड को मीट हो करके आपने उसके अंडर उसी की प्रोडक्ट को सेल करना है उसमें ये होता है कि होल सेल बेसिस पर आपको प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा अच्छा मिल जाता है जब आप बल्क में प्रोडक्ट्स लेते हैं और आपको उसमें यह सिक्योरिटी होती है कि वो अगर आपने लिस्टिंग बेहतरीन तरीके से हट की हुई है तो आपको उस पर प्रॉफिट मार्जिन मिलता ही मिलता है आपकी पेमेंट जो होती है वह होती है <coughs> इसमें भी टूल्स यूज होते हैं लाइक कीपा यूज होता है फॉर कंपेटर एनालिसिस उसके बाद हीलियम टेन यूज़ होता है ताकि हम फाइंड कर सकते हैं ब्रांड को और आ, सप्लायर्स को तो बेस्ट प्रोडक्ट को या ब्रांड को हंट करने का जो प्रोसीजर होता है वो भी सब एक वी के हाथ में होता है उसके लिए आप ब्लैक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं क्राइटीरिया डाल देंगे लाइक फाइव थाउजेंड तक आपने हमने कहना जी फाइव थाउजेंड तक उसकी सेल लाजमी होनी चाहिए सैलर्स पाँच से ज़्यादा उस पर मीटू करके बैठे हों और इसके अलावा uh, उसके रिव्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए हंड्रेड तक होने चाहिए बहुत कम नहीं होने चाहिए ठीक है तो इस तरह की चीज़ के बाद आपने एक ऐसी प्रोडक्ट को हंट कर लेना है या ऐसे ब्रांड को हंट कर लेना है जो ब्रांड आपके लिए बहुत सारा पोटेंशियल लेके बैठा हो फॉर एग्जांपल अगर एक आ, आ, एनर्जी बूस्टर का ब्रांड अगर एक मिलता है एनर्जी बूस्टर आ, एक्स वाई जी एनर्जी बूस्टर जो है वो एक प्रोडक्ट है और वो मीटू करने दे रही है आपको तो आप उसकी प्रोडक्ट के ब्रांड पर जाकर चेक करेंगे कि उसके पास आपके लिए कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं जो आप मीटू कर सकते हैं ताकि आप एक ही ब्रांड के सब उसके साथ परमिशन लेने के बाद या उससे सारे डॉक्यूमेंटेशंस लेने के बाद आपको दोबारा से नए सिरे से एक ही प्रोडक्ट के बाद यही प्रोसीजर दोहराना ना पड़े सो फाइंडिंग बेस्ट सप्लायर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एक अच्छा सप्लायर खुदा की रहमत होती है तो अगर आप एक अच्छा सप्लायर फाइंड आउट कर लेते हैं और ये बहुत बहुत ज़्यादा इन सर्विसज हैं आजकल प्रोडक्ट और ब्रांड हंटिंग फॉर होल सेल एंड प्रोडक्ट सप्लायर्स फाइंड आउट करना ये दोनों सर्विसेज इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट पे जा रही हैं तो अगर हम चेक करते हैं कि सप्लायर्स किस तरीके से मतलब हम किस दर से चेक करें सेल हु जैसी वेबसाइट है इसके अलावा रीजनल सप्लायर्स होते हैं जिनको आपको हंड करना होता है उनसे आप फिर कम्युनिकेशन करते हैं बातचीत करते हैं और बेस्ट प्राइस पर आप अपने प्रोडक्ट को सोर्स कर लेते हैं ठीक है प्राइस मैनेजमेंट एंड विनिंग बाय बॉक्स ये भी एक महारत है उसमें यह है कि आपने अपने बाय बॉक्स को विन करने के लिए पूरी मार्केट में आपके कंपेटिटर्स आपकी प्रोडक्ट को कितने में सेल कर रहे हैं आपने वो चेक किया उसके बाद आपने उसके हिसाब से अपनी प्राइस को मैनेज किया कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी रहे और आपकी प्राइस मिनिमम भी रहे जो मिनिमम प्राइस होती है वो हमेशा बाय बॉक्स को विन करती है अब अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स लाइक आपकी फीडबैक्स भी इन्वॉल्व uh, होते हैं बाय बॉक्स विन करने के लिए आपकी uh, जो रेपूटेशन uh, है वो भी मैटर uh, करती है आपका अकाउंट हेल्थ मैटर करती है सो so, ओवरऑल जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब इकट्ठे मिलकर आपके बाय बॉक्स विनिंग रेशो को बढ़ाते हैं होल so, सेल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप अपने आराम से अपनी सर्विसेज दे सकते हैं आखिर हम सर्विसेज 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 कर रहे हैं आखिर देंगे कहाँ इतनी देर से हम स्किल्स के बारे में तीन दिन से हम स्किल्स के बारे में लर्न कर रहे हैं कि हमने ये स्किल हमने ये स्किल हमने ये स्किल चले हमें सब स्किल्स आ गई अब क्या करना है तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है फ्रिलसिंग प्लेटफॉर्म्स ये तो सिर्फ एक सलूशन दे रही हूँ मैं इसके अलावा आपको हम एनेबलर्स के ग्रुप के अंदर बेतहाशा लोग मिलेंगे जो आपको आपकी स्किल के लिए आपको हायर करेंगे अमेजान के स्किल हो गई होल सेल की एफ़ बी ए की स्किल हो गई ई बे की हो गई दराज की हो गई बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप अपने लिए ऑफ़र कर सकते हैं अब इसके अलावा एनेबलर्स का मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपने आप को ऑफर कर सकते हैं हायर वी ए पोर्टल है जहाँ पर आप बायदा इंटरव्यू देने के बाद अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं इसके अलावा भी बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर जहाँ पर लोग अपने लिए वी तलाश कर रहे हैं सो so, हम सिर्फ फ्रीलांसिंग लांसिंग प्लेटफॉर्म पर फोकस करते हैं उनमें तीन प्लेटफॉर्म्स आते हैं पहला है फाइवर दूसरा है फ्रीलांसर और तीसरा है अपवर्क सो so, फाइवर जो है हम थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं फाइवर जो है वो गिग बेस्ड है यानी कि आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी अपनी अपनी एक लिस्ट कर दी अपनी सर्विसेज कस्टमर आपको खुद तलाश करेगा और ख़ुद आपसे सर्विसेज लेगा इसके अलावा आप कस्टमर की जो बायर की रिक्वेस्ट पोस्ट हुई होती है उस पर जाकर भी अपनी ब्रडिंग अपनी आ, अपनी सर्विसेज प्रोविजन के लिए या कर सकते हैं सेकेंड इज़ फ्रीलांसर एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर आप ब्रिडिंग करते हैं विन करते हैं और प्रोडक्ट कर प्रोजेक्ट करने के बाद आप अपनी अर्निंग ले लेते हैं मैंने एनेबलर्स फीमेल वीडियो सीरीज में एक लेक्चर किया था जिसके अंदर मैंने फ्रीलांसिंग को कवर किया था अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं आप आ, उस आ, आप लिखेंगे एनेबलर्स फीमेल वीडियो सीरीज़ फ्री और लेक्चर पर आपको ख़ुद ब खुद उस उधर आपको मिल जाएंगे फ्री डॉट जो है वहाँ पर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं अपवर्क डॉट पर भी आप प्रोजेक्ट पर बिड करते हैं कवर लेटर लिखते हैं बाकायदा एक अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल की रेशो बढ़ाते हैं और उसके बाद जाकर आप अपना प्रोजेक्ट विन कर लेते हैं और करने के बाद आपको पेमेंट क्लाइंट आपको पेमेंट दे देता है तो so प्रोसेस क्या है फ्रीलांसिंग का सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे नो मैटर इफ़ यू आर गोइंग विद फाइवर डॉट कॉम फ्री डॉट कॉम और अपवर्क डॉट कॉम या पीपल परवर डॉट कॉम या कोई भी गुरु डॉट कॉम कोई भी वेबसाइट आप ले लें आप अगर जा रहे हैं अकाउंट क्रिएट करने लगे हैं तो उसका सेम प्रोसीजर होगा आपने रजिस्ट्रेशन करनी है ई मेल अपना पुट करना है और वेरीफिकेशन करनी है जो आपने ई मेल पर लिंक आता है उस पर वेरीफिकेशन करके आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं प्रोफाइल बनाने के लिए आप आपको एक डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है जहाँ पर अपनी ऑरिजिनल अप पिक्चर लगाते हैं डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि आपका नेम आपकी जो भी आपका एक पूरा सिनेरियो है कि मैं एक काम करती हूँ ये काम करती हूँ वो काम करती हूँ ये तालीम है मेरा ये तजर्बा है और मैं आपको इस तरह की सर्विसेज दूँगी तो ये प्रोफाइल के अंदर आपने लिखना है ठीक है पोर्टफोलियो इन्वॉल्व योर सैम्पलिंग्स लाइक अगर आप राइटिंग के सर्विसेज दे रही हैं तो आ, दे रहे हैं या दे रही हैं तो आपके पास जो पोर्टफोलियो आपने बनाना है आपने अपने सैंपल्स वहाँ पोस्ट करने ताकि अगर कोई भी क्लाइंट आता है तो वो आपके पोर्टफोलियो में आपके सैंपल्स देखे और चेक करने के बाद वो तसली अगर उसे होती है तो वो आपको डायरेक्टली हायर कर ले सोशल मीडिया प्रेजेंस सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है आपकी वो क्या चीज़ है वो है रिव्यूज़ अगर आप अपना पहला प्रोजेक्ट करने में कामयाब होते हैं नो मैटर इफ़ यू आर डूइंग फॉर कॉस्ट अगर आप अपना पहला प्रोजेक्ट कर लेते हैं और प्रोजेक्ट करने के बाद आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं और उसके ऊपर आपको अच्छी रेटिंग और रिव्यू मिल जाता है इट मींस यू हैव कि स्टार्टेड योर फ्रीलांसिंग करियर और उसके बाद आपको स्टॉप नहीं लगता सो सोशल मीडिया प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द रैंकिंग ऑफ द गिग मुख्तफ स्ट्रेटजीज होती है रैंक करने की जैसे कि आपने अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए चौबीस घंटे आपने ऑन रहना है गेक को बाकायदा किस ऑप्टिमाइज करना है और उसके टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करना है उसके अलावा उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है लोगों में ताकि वो आपको लाइक कर सके आपके गिग को अप कर सकें ठीक है और प्रोफाइल सच सच में लाजमी आना चाहिए ताकि आप आ, को विज़िबिलिटी मिल सके After आफ्टर some गेट समट्ट सम गिग इज़ परचेज बाई सम कस्टमर customer रिलेशनशिप customer मैने manag management बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली जब आप कस्टमर को कोई सर्विसेज देने के बाद आप उसको बाकायदा कोई मीन्स uh, uh, के वैल्यू एडिड मार्केटिंग करते हैं देते हैं तो इस सूरत में आपको काफ़ी अच्छा response मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड रेटिंग एंड रिव्यूज ठीक है वंस यू आर डन विद द प्रोजेक्ट गेट Paid for it. और उसके लिए आप या तो स्क्रू सिस्टम या माइल स्टोन सिस्टम यूज करते हैं इन इन अपवर्क एंड फ्रीलांसर और um, um, उसपे फाइवर पे तो आपको पेमेंट ही एडवांस मिलती है सो so, यहाँ पर हम अपना एंड करते हैं आज का सेशन uh, अब तीनों सेशंस में मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूं तो इन शो अपने पाकिस्तान को किसी न किसी मकाम पर ज़रूर लेकर जाएंगे हमारी कोशिश हमेशा यही होगी कि जब भी किसी जगह पर पूरी दुनिया में वी का नाम आए तो वह हमारे पाकिस्तान का नाम है इसी एक अच्छी विश के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़